अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं राबिया जावेद ओरिफ्लेम के साथ इंडिपेंडेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का ऐसा हो चुका है मुझे इसके साथ काम करते हुए, और मैं कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स कर चुकी हूँ। और आज यहाँ पे इस ट्रेनिंग को देने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकूँ जो मैंने अपॉर्चुनिटी ख़ुद भी अवेल की और उसको अवेल करने के बाद उसके ऊपर काम किया और उससे फ़ायदा उठा रही हूँ। तो मैं मेरा मकसद इस चीज़ को आप तक पहुँचाने का ये है कि आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानें, और इस अपॉर्चुनिटी को एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो आपको ना सिर्फ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है बल्कि आपको एक सेल्फ वाइज ग्रूमिंग और आपके जहन को खोलने का भी जरिया बनती है। सो आप लोग ज़रूर इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सुने, जाने और उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसको अवेल करने की कोशिश करें। बेसिकली ये ट्रेनिंग मेरी उन मेंबर्स के लिए भी है जो कि जूम ट्रेनिंग्स में नहीं आ सकती किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है तो सही, लेकिन उसकी सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं होते कि जो वो जूम ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकें। सो आइए आप एक ऐसे चेंज को की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे डिफरेंट लाइफस्टाइल आपको मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकती हैं, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ग्रूमिंग कर सकती हैं और बहुत सी तरह से आप अपनी लाइफ को जो है वो एक पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगर हम बात करें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शायद कि उनका सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, वो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको नेगेटिविटी के होते हुए भी पॉजिटिव सोचने का मौका मिलता है और आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर चीज़ों को चलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि आप लोग जो हैं वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें कि अगर आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम से सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे देना है। वो आंसर आप मुझे इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट है वहाँ पे करके आंसर दे सकते हैं, या फिर मेरे वो जो टीम मेंबर्स जो मेरे साथ जॉइंड हैं ऑलरेडी और वो लोग किसी वजह से जूम ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर पाते तो उनको मैं कॉल करूंगी या वो खुद भी मुझे कॉल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का और इस ट्रेनिंग के बारे में हम हर चीज़ की डिस्कशन करेंगे। और वो लोग जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा और मज़ीद डिटेल से जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अपना नंबर नीचे छोड़ दूँगी। सो वो आप लोग जो हैं अटेंड कर इसके बारे में या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने मुझे ये देना है आंसर कि आप लोगों को अगर एक एक्स्ट्रा अर्निंग का की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उस एक्स्ट्रा अर्निंग से आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। बहुत से लोगों के बहुत से ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके पास गोल्स होने चाहिए, उन गोल्स को आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन गोल्स को बनाते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हम छोटे थे तो मेरी सिस्टर कहती होती थी कि कोई चीज़ लेनी है ना तो आप पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लाइक हम लोग अक्सर बात करते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम बात करते थे कि गाड़ी लेनी है, तो हम लोगों में से अक्सर लोग कहते थे कि पैसे तो हैं नहीं है तो गाड़ी के बारे में क्या सोचना, जब पैसे होंगे तो सोच भी लेंगे। तो मेरी सिस्टर कहती होती थी कि नहीं, हम सोचेंगे तो पैसे भी आ जाएंगे, सोचेंगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। सो हमने वाकई जब उसके बारे में सीरियसली सोचा तो 2 साल के अंदर अंदर हमने गाड़ी ले ली। पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ये जो है अल्लाह की तरफ से हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो ख्वाब होने ज़रूरी हैं, उनके लिए गोल्स बनाना आपका काम है। सो अगर हम ओरिफ्लेम कंपनी की बात करें कि ये किसने बनाई, उसका क्या था सिस्टम था, क्या सीन था, तो उसके बारे में ये है कि ये 2 भाइयों ने जिनका नाम के रॉबर्ट एंड जॉनस AF जॉकनिक था, उन लोगों ने एक ऐसी कंपनी बनाने का सोचा जो कि एक ड्रीम से ही स्टार्ट हुआ था और अब ये 60 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहे हैं। सो उन्होंने एक ऐसा कंपनी बनाने का सोचा जिसमें लोगों को अर्निंग के साथ साथ खूबसूरती के साथ साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और अपने तरीके से काम करने का मौका मिले। उसके लिए उनका मोटिव था, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन। और ये जो 3 चीज़ें हैं वो आज तक हम अपनी हर ट्रेनिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं सक्सेसफुल होने के लिए। इन 3 चीज़ों के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब तक आपकी टीम में टुगेदरनेस ना हो, आपके अंदर स्पिरिट
ना हो कुछ बनने की, कुछ जानने की, कुछ सीखने की, और आपके अंदर पैशन ना हो कुछ किसी लेवल को अचीव करने की, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की या अपने जो है गोल्स को फुलफ़िल करने की। सो ये तीन चीज़ें अभी तक और आज तक और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो आगे हम बात करेंगे वही के 1967 में ये कंपनी बनी थी और तब से लेके अब तक की यूरोप की सबसे बड़ी ब्यूटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कंपनी से अपने मेंबर्स को, या जैसे हम कंसल्टेंट्स हैं हमको या हम मिलते हैं किसी मार्केट में, आपको इनकी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, ना कोई दरमियान में होल सेलर है ना रिटेलर है, जिसकी वजह से इसकी कापी का भी बहुत हद तक कोई ख़दशा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्ट्स की, तो इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं और 60 से ज़्यादा ममालिक में ये इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब ये काम 60 से ममालिक में किस तरह से कर रहे हैं जब इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में है ही नहीं है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं? तो वो इस तरह से काम हो रहा है कि पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन होती है और उसके थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे तक इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर तीसरे चौथे पाँचवें, और इस तरह से कंट्री टू कंट्री ये सारा काम जारी है। अब अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो ये रिकमेंडेशन का काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लाइक अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे कोई खाना वगैरह खाते हैं, तो वहाँ का खाना हमें पसंद आता है, माहौल पसंद आता है, या कुछ भी किसी किस्म की चीज़ पसंद आती है, तो वापस आके हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से उसके बारे में बात ज़रूर करते हैं, तो सुन के वो कहते हैं हाँ हम ज़रूर विज़िट करेंगे। या किसी स्कूल के बारे में बात करते हैं कि वो स्कूल इस तरह से है, उसकी ये चीज़ बड़ी अच्छी है, या कोई स्टोर इस तरह से है, उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, उनकी ऑफ़र्स बहुत अच्छी हैं, तरह से रिकमेंडेशंस का काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। सो इस रिकमेंडेशंस के बेस पे बहुत से लोग ज़्यादा आपकी रिकमेंडेशन पे बिलीव करते हैं, इन स्पाइट ऑफ के वो एड्स को देखते हुए बिलीव करें। तो रिकमेंडेशन के बेस पे बहुत से लोग बहुत सा काम करते हैं और ये रिकमेंडेशन का काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, और जो हम रिकमेंडेशन बचपन से करते आ रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि उस रिकमेंडेशन का हमें कुछ अर्निंग या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जबकि जब हम ओरिफ्लेम की रिकमेंडेशन करते हैं तो उसकी हमें अर्निंग भी मिल रही है और उसके बहुत से और इंसेंटिव्स भी हमें मिल रहे हैं। सो अगर हम बात करें कि कितने कंसल्टेंट्स अब वर्ल्ड वाइड ओरिफ्लेम के साथ जुड़ चुके हैं, तो तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा कंसल्टेंट्स या फिर मेंबर्स या फिर ब्रांड पार्टनर्स, ये सब टर्म्स हम इनके लिए यूज़ करते हैं, ये जुड़ चुके हैं ओरिफ्लेम के साथ और इनके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग्स यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओरिफ्लेम जो है वो एक ऐसी कंपनी है जिस जो कि को फाउंडर है वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन की, उसके अलावा फाउंडर है ओरिफ्लेम फाउंडेशन की। अब इन दोनों फाउंडेशंस में उन औरतों और बच्चों के लिए काम किया जाता है जो के जिनके लिए ज़िंदगी के जो कमाने के, पढ़ने के, खाने पीने के ज़राए जो हैं वो कम हैं, उनकी हेल्प आउट उनको किया जाता है वहाँ पे, उनको रोज़गार दिया जाता है, उनको पढ़ने के मौके दिए जाते हैं। सो उनमें से ओरिफ्लेम उन फाउंडेशंस का फाउंडर भी है और उनके साथ मिलकर इसके बारे में काम भी कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ओरिफ्लेम जस्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट्स लेके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो नेचर को वापस वही देना चाहता है जो वो नेचर से ले रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि किस तरह से, तो ओरिफ्लेम इस चीज़ पे फोकस करता है कि जो पानी और एनर्जी है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब वर्ल्ड वाइड ये जो चीज़ है वो मंजरे आम पे आ रही है कि पानी और एनर्जी के ज़खायर जो हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। सो ओरिफ्लेम का फोकस इस चीज़ पर है कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट, पानी और उसकी एनर्जी के ज़खायर हैं उसको कम से कम यूज़ करें। उसके अलावा कंटिन्यूसली रिसर्च इस चीज़ पे हो रही होती है कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स का या फिर उनकी वेस्टेजेस का या फिर किसी भी तरह से, तो उन चीज़ को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है कि उसके जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे कम से कम पड़े। और अगर हम बात करें कि ओरिफ्लेम पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुआ, कब से आया, तो ये 2009 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया और तब से लेके अब तक के लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहा है, उनके ख्वाबों को पूरा कर रहा है,
और उनको एक डिफरेंट किस्म का जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो दे रहा है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें MLM इंडस्ट्री की, तो जो पाकिस्तान की MLM इंडस्ट्री है उसमें बहुत यूनिक पोजीशन ये एक्वायर कर चुका है। अब MLM इंडस्ट्री क्या है, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है। सो ओरिफ्लेम में जब हम काम करते हैं तो हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लाइक मैं हूँ, मेरे अंडर मेरी एक टीम है, 5 लोग हैं, आगे से उनके 5 टीम मेंबर्स हैं, तो ये डिफरेंट लेवल्स हो जाते हैं। तो इनको इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इस जो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसके अंदर ओरिफ्लेम की एक बहुत यूनिक और बहुत जो हायर रैंक है वो इसको दिया जा रहा है। जितनी भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसके बग़ैर बनाई जाती हैं, किसी किस्म के हार्मफुल केमिकल्स नहीं इस्तेमाल किए जाते। डिफरेंट किस्म के जो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं विद इन द कंट्री, एंड आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप आउट ऑफ कंट्री विजिट्स भी कर सकें ओरिफ्लेम के साथ जुड़ने के बाद। सो आप पाकिस्तान के जितने भी लोग या जितने लोग इनके ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके साथ रابطہ करके आप हमसे भी رابطہ कर सकते हैं और डिफरेंट इसके बारे में मज़ीद नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि ओरिफ्लेम हमें कितनी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, तो 3 अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन। सबसे पहली बात हम करेंगे लुक ग्रेट की, तो लुक ग्रेट में सबसे पहले आ जाता है कि इन्हेंस योर ब्यूटी फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम वैसे भी बात करें तो ये बात होती है कि अगर कोई इंसान बहुत खूबसूरत हो लेकिन वो आपसे अच्छे तरीके से मिलना रहा हो तो आपको वो कभी भी पसंद नहीं आता। लेकिन दूसरी साइड पे एक ऐसा इंसान हो जो बहुत खूबसूरत तो नहीं है लेकिन वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो आपको बहुत पसंद आता है। सो सिर्फ खूबसूरती ये नहीं है कि आप बाहर से अपनी जो खूबसूरती है या फेस है उसको बहुत खूबसूरत कर लें या बहुत अपनी स्किन की केयर करें, लेकिन आप लोगों से मिलने के दौरान चाहे वो या तो बहुत बुझे से रहें या फिर उनसे बहुत मिसबिहेव करके बात कर रहे हों, तो दोनों तरह से वो चीज़ सही नहीं होती। सो आपकी ब्यूटी आपकी इनसाइड से भी आउटसाइड से भी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। और इस चीज़ को मैं इस बारे में हमेशा लेकर चलती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी तरह की और भी बहुत सी फीमेल्स होंगी जो जस्ट हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो जब सुबह उठ के उनकी एक ही रूटीन बन जाती है कि घर के काम किए, बच्चों को देखा और काम ख़त्म किए, सो गए, सुबह उठे फिर सेम वही रूटीन, तो ऐसे फील होना शुरू हो जाता है कि जैसे हमारा कोई काम ही नहीं है, जस्ट हमारा काम है सुबह उठो, हमारी ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंट कर देती है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था तो मैं बहुत अरसा बहुत सी चीज़ों को तलाश करने के बाद, क्योंकि मेरी डिग्री ऐसी थी कि मैं अगर अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग भी घर रह के कुछ करना चाहती तो मैं कर सकती थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर सकती थी। सो मैंने क्या किया कि मैंने जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया अपनी अपलाइन के सेकेंड टाइम मुझे अप्रोच करने के बाद, तो मैंने फिर ये इस चीज़ को देखा कि जो है ना मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे ये फील होना शुरू हो गया था कि मैं भी, मेरा भी कोई माल है, मैं भी घर के कामों बच्चों के अलावा भी कुछ कर रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, बहुत सी चीज़ों के बारे में सीख रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों ने मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं ओरिफ्लेम को लेके मज़ीद आगे चली। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब आप इनर साइड आपकी सेटिस्फाई होगी तो वो सेटिस्फेक्शन आपके चेहरे पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, और वो चीज़ जो है वो फिर आपको सुकून भी देगी, आपको ब्यूटीफाई भी करेगी, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आप लोगों को खूबसूरत और सेटिस्फाई भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मैं जब अपने पेरेंट्स की तरफ गई थी तो मुझे सब ने ये चीज़ नोटिस की थी कि तुम्हारी जो स्किन है ना वो ग्लो कर रही है। तो तब अभी मैंने कोई स्किन रूटीन स्टार्ट नहीं की थी, जस्ट मैंने ओरिफ्लेम स्टार्ट किया था और ट्रेनिंग्स ले रही थी और जस्ट इस तरह से कोई स्किन रूटीन मेरी ऐसा नहीं थी, लेकिन मेरी कज़न्स ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो मुझे उस चीज़ का हमेशा यही फील होता है कि तब मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और मेरी इनर सेटिस्फेक्शन इतनी अच्छी थी कि वो चीज़ जो है वो मेरे फेस पे नज़र आना शुरू हो गई और लोगों को मेरी स्किन ग्लो करती हुई नज़र आना शुरू हो गई थी। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी ब्यूटी जो है वो दोनों तरह से आपके आपको जो है ना लोगों को नज़र आनी चाहिए, आपका बिहेवियर, आपकी स्किन, आपका जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो हर चीज़ मैटर करती है और आपके चेहरे पर वो चीज़ नज़र आती है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें
कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो हमारा ओरिफ्लेम का एक जो पोर्टफोलियो है वो बहुत वाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें कि साबुन से लेके शैम्पू, कंडीशनर, फ्रेग्रेंसीज, उसके अलावा जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स की रेंज जो है वो ओरिफ्लेम के पास मौजूद है। और ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी लिए जो हैं वो केमिकल फ्री तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जितने केमिकल्स यूज़ होते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं। कॉस्मेटिक्स जो हैं वो लेड फ्री हैं, उसका टेस्ट भी आप कर सकते हैं। ये फिर हम कभी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वर्ल्ड फेमस फ्रेग्रेंसीज के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारी परफ्यूम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो आपको फ्रेग्रेंसेस मिलेंगी। बहुत वाइड हमारे पास रेंज है, स्किन केयर रूटीन है, प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा टूथपेस्ट हैं, मतलब आपकी डेली यूज़ की जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये आप कह सकते हैं कि ओरिफ्लेम जो है वो आपकी एक शॉप है, जहाँ से आप चीज़ें अपने लिए भी बाय कर सकते हैं, दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो एक अपनी खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं, और जिनको आप रिकमेंड कर रहे हैं उनकी खूबसूरती को भी चार चांद लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो नेचर से इंस्पायर है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम जो है वो जो इंस्पायर है नेचर से, नेचर के एक्सट्रैक्ट से प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसके बाद स्वीडिश साइंस को इसमें मिक्स करके वो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं बनाता, बल्कि साइंटिस्ट इन प्रोडक्ट्स को डिवेलप करते हैं, और फिर वो चीज़ें टेस्ट मल्टीपल टाइम्स उनको टेस्ट किया जाता है, और फिर फुल सेटिस्फेक्शन के बाद उनको मार्केट में लेके आया जाता है। उसके बाद नॉन जीएमओ फॉर्मूलेशन है। अब नॉन जीएमओ फॉर्मूलेशन क्या है कि ये जितनी भी हमारे एक्सट्रैक्ट्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, किसी भी तरह की जेनेटिकल मॉडिफिकेशन उनमें नहीं की जाती। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें ऑरेंज है तो वो ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट ही होगा, ऑरेंज और मौसमी का के एक्सट्रैक्ट को या उनको जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जो नेचुरल उसका एक्सट्रैक्ट है उसी को यूज़ किया जाता है। उसके जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो हर टाइम इसी चीज़ के साथ लगे रहते हैं कि किस तरह से लोगों को नेचुरल वे में प्रोडक्ट्स दिए जाएं, और कौन से ऐसी केमिकल्स यूज़ किए जाएं जो लोगों को और इस इवन एनवायरनमेंट को और हमारे जानवरों को भी नुकसान ना पहुंचाएं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जानवरों की ना तो कोई उनका पार्ट यूज़ किया जाता है, ना ही उनकी कोई फैट यूज़ की जाती है, और ना ही उनको टेस्ट जानवरों पे किया जाता है। इवन जो टेस्टिंग है वो भी इंसानों पे की जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी और जानवरों की स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। सो वो किस तरह हम प्रोडक्ट जब वो जानवर पे टेस्ट करने के बाद ये कह सकते हैं कि वो टोटली सेफ प्रोडक्ट है फॉर ह्यूमन बींग्स। सो जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्ट भी ह्यूमन बींग्स पे होती हैं। उसके अलावा ओरिफ्लेम जो है वो फॉलो करती है ईयू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रिक्टेस्ट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं। उसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एडवांस्ड फॉर्मूलेशन होती हैं, जो कि ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं ओरिफ्लेम के अपने, वहाँ पे डेवलप की जाती हैं साइंटिस्ट की मदद से और नेचर से एक्सट्रैक्ट्स को लेकर। उसके बाद बात करें कि हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा हमारे जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो सब जो हैं वो हमारे अपने फार्म्स हैं, वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, और सिर्फ उतने ही डेवलप किए जाते हैं जितनी की ज़रूरत होती है। जितनी हमारी पैकेजिंग है उस पर फोकस किया जाता है कि पैकेजिंग ऐसी ना हो जो कि एनवायरनमेंट को या जानवरों को किसी तरह से नुकसान पहुँचाए। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पता नहीं ओरिफ्लेम के शॉप अभी तक चेंज नहीं हुए तो शायद प्लास्टिक मटेरियल है, तो ऐसी बात नहीं है। उनके शॉपर्स इसलिए अभी तक चेंज नहीं हुए क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि किसी तरह से एनवायरनमेंट के लिए, जानवरों के लिए, या किसी तरह से भी मिट्टी आपके हमारी जो ज़मीन है उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, वो उसमें रिसाइकल हो जाती है। उसके बाद एनिमल फ्रेंडली है, वही जो बात मैंने की है कि एनिमल्स के लिए भी किसी तरह से भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि हम ज़रूर इस चीज़ को शोर करते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ना होने के बराबर बल्कि करें। और अगर किसी ऐसी चीज़ में हमें करना भी पड़ता है कि जिसको सील किए बगैर गुजारा नहीं, तो वो भी कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है कि जो किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए एनवायरनमेंट को और इसके बाद किसी भी तरह से इंसानों को। सो जो ओरिफ्लेम है वो हमेशा एनवायरनमेंट की भी केयर करता है, आपकी भी, और सिर्फ अपनी केयर नहीं करता। अब अगर हम बात करें सितंबर की ऑफ़र्स की, तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी ऑफ़र्स हैं सितंबर में जिनकी हम बात करेंगे। उनमें हमारे पास आ जाता है
लीडर्स क्लब है, लीडर्स क्लब में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, लीडर्स क्लब की समझ आगे जाके आपको ज़्यादा अच्छी आएगी। फिर हमारे पास सेल्स होती हैं मंथ में दो, जिनमें के बीपीस तो थोड़े कम होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाती हैं, जिसको ई फ्लायर भी कहा जाता है, और ये दो दफ़ा हमारे पास आ रही होती हैं मंथ में। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑफ़र थी जो कि पहले तो लास्ट मंथ तक की थी, कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस सिर्फ 99 पे करने पड़ते हैं, लेकिन इसको अब सितंबर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है, सो आप इसको सितंबर में भी इंजॉय कर सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस जस्ट 99 रुपीज़ लगेंगे। सो हमारे पास जो लीडर्स क्लब में हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो ये हैं, जो मेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए आपको बहुत मज़े की चीज़ें जो हैं वो उसके लिए आपको पर्सनल 150 पॉइंट्स चाहिए, और अगर आपकी टीम है तो उस टीम के लिहाज से आपको 4000 पॉइंट्स चाहिए, और उसके अलावा आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो 12% होनी चाहिए, और OSF एक्टिविटी जो है वो 62% होनी चाहिए, लेकिन इसको आप नेक्स्ट लेवल में जाके समझ सकते हैं। उसके पास आ जाते हैं हम वेलकम ऑफ़र में। वेलकम ऑफ़र हमारे पास हर मंथ 75 पॉइंट्स पे एक सेट हमें मिल रहा होता है, और 100 पॉइंट्स पे एक सेट मिल रहा होता है। इस दफ़ा हमारे पास 75 पॉइंट्स पे जो सेट है वो एक टोनर और एक सीरम है, जो स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है और हेल्दी रखता है आपकी स्किन को। बहुत ज़बरदस्त ये जो चीज़ें हैं जो 75 पॉइंट्स के ऑर्डर पे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 399 रुपीज़ में। 100 पॉइंट्स के ऑर्डर पे आपके पास कॉस्मेटिक्स हैं, जो करेक्टिव स्टिक है, उसके अलावा दो पेंसिल्स हैं, ड्यूल आई और लिप पेंसिल, और उसके बाद एक प्राइमर है। उसके बाद अगर हम बात करें कैटलॉग ड्राइवर की, तो कैटलॉग ड्राइवर हमारे पास एक ऐसी ऑफ़र होती है जो आप अपने कैटलॉग में से को किसी भी तरह की दो प्रोडक्ट्स हैं वो 2000 की जब अपने कार्ट में डाल लेते हैं तो आप एक प्रोडक्ट जो कि इस दफ़ा हमारे पास एक मैन परफ्यूम है सिट्रस टॉनिक की, ये आपको 40% डिस्काउंट पे और एज अ कंसल्टेंट 60% डिस्काउंट पे मिल रही होगी। इसकी ओरिजिनल प्राइस 3549 है, लेकिन 2000 रुपीज़ की शॉपिंग के बाद ये आपको 2129 रुपीज़ में मिलेगी। फिर हम मंथली क्विक पिक की बात कर लेते हैं, तो मंथली क्विक पिक में हमारे पास एक बिग लैश मस्कारा है और एक आईलाइनर है, दोनों ऑन कलर के हैं, और इनकी ओरिजिनल प्राइसेस जो है 1049 है मस्कारा की, जो आपको 629 में मिलेगा। इसी तरह लाइनर की ओरिजिनल प्राइस 769 है, जो कि आपको 30% डिस्काउंट पे 459 रुपीज़ में मिलेगा। सो इन ऑफ़र्स को अवेल ज़रूर करें, इनको बिल्कुल भी जाने ना दें। बैक कवर ऑफ़र है, बैक कवर ऑफ़र में हमारे पास आ जाती हैं कि जो कैटलॉग की हमारे पास बैक कवर होता है उसमें हमारे पास पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि हमारे कैटलॉग 3 मंथ्स के लिए होती है, तो पर मंथ के हिसाब से 3 बैक कवर ऑफ़र्स होती हैं, और ये हमारा लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ ऑफ़र्स का है। और बैक कवर ऑफ़र इस दफ़ा हमारे पास चारकोल मास्क और SOS जेल है, जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव है। इसकी भी हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वह हमें 30% ऑफ पे मिल रहे हैं, और इसकी ओरिजिनल प्राइस 1099 है चारकोल मास्क की, और हमें डिस्काउंट पे ये 769 में मिलेगी, और 599 इसकी SOS जेल की प्राइस है, जो कि डिस्काउंट पे 419 रुपीज़ की मिलेगी, और ये कस्टमर प्राइसेस हैं। इन पे आपका मज़ीद 20% डिस्काउंट होकर ये आपको 60% डिस्काउंट पे दोनों प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, 50% डिस्काउंट पे। फिर आ जाती है हमारे पास बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास में हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर आपने 200 पॉइंट्स किए अपने पर्सनल कोड के ऊपर, तो आप उससे नेक्स्ट मंथ में अपने फर्स्ट ऑर्डर के साथ पूरी कैटलॉग में से कोई सी दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो 50% डिस्काउंट पे हासिल कर सकते हैं। स्किन जस्ट जो आपके पास स्किन केयर सेट्स होते हैं उनको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो ओपन प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ऑफिशियल तौर पर आपको मेगा ओएम के थ्रू दी जाती है, इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स और डिफरेंट लोगों को इनवाइट करके तो उनको अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए या फिर कस्टमर के तौर पे ले सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसकी डेट्स को ज़रूर याद रखा करें और उसको अटेंड खुद भी किया करें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कराया करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाती है मेक मनी की। मेक मनी में हमारे पास जो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक ब्रांड पार्टनर के तौर पे काम करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, कोई हमें
डिक्टेट नहीं कर रहा होता है, रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स को, सेल करते हैं, अपना बिजनेस खुद से बिल्ड करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम हमारे गोल्स क्या होंगे, कितनी अमाउंट की हम परचेज करेंगे, कौन किसके साथ काम करेंगे, कब बाय करेंगे और हाउ मच टू टाइम टू डेडिकेट, कि हम कितना टाइम देंगे इस काम को। और लेकिन ये है कि जितना टाइम हम देंगे, वही बात आ जाती है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सो ये सब आपके अपने डिसीजंस हैं। इन अदर वर्ड्स, यू आर योर ओन बॉस इन ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम जो है वो हमें तीन किस्म के तरीके बताता है पैसे कमाने के। उसमें सबसे पहला तरीका क्या है कि आप जो डिस्काउंट है 20%, क्योंकि एज अ मेंबर, एज अ ब्रांड पार्टनर, आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो 20% ऑफ पे मिलती हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको हर प्रोडक्ट 20% ऑफ पे दे रही हो, लेकिन ये सिर्फ ओरिफ्लेम है जो आपको एज अ मेंबर हर प्रोडक्ट 20% ऑफ पे देता है। सो आप मनी बना सकते हैं सेव करके हर प्रोडक्ट के ऊपर। ये भी पैसा कमाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी कैटलाग शो करें लोगों को, उनको इनवाइट करें, उनसे ऑर्डर्स लें, और इस तरह से वो जो 20% डिस्काउंट है वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट बन जाता है, उसको फौरन अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप लोगों को इनवाइट करें और उनके साथ मिलकर अपनी एक टीम डिवेलप करें और उनके साथ मिलकर पैसा कमाएं। ये तीन तरीके हैं, इन पर अमल करके आप बहुत अच्छे तरीके से काम करके तो पैसा भी कमा सकते हैं, खूबसूरत भी नज़र आ सकते हैं, और अपनी टीम के थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो प्लीज़ एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सेव करेंगे हर प्रोडक्ट के ऊपर 20% डिस्काउंट, और वो हमारा फर्स्ट तरीका होगा पैसा कमाने का, क्योंकि सेविंग भी एक तरह से पैसा कमाना ही है। सो कौन है जो कि पैसा कमाना नहीं चाहता, हर कोई चाहता पैसा कमाना। उसके बाद आ जाती है कैटलॉग की बारी। जब आप अपनी पर्सनल अकाउंट से प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो आपको 25% तक का प्रॉफिट मिलता है। सो अगर आप अपनी कैटलाग 5 लोगों को दिखाते हैं और 5 लोगों को दिखाने के बाद आप 5075 रुपीज़ का भी ऑर्डर एक कैटलाग से ले लेते हैं, तो आपने कंपनी को पे करना है 4060 रुपीज़ और 1015 रुपीज़ आपकी अपनी पॉकेट में जाएंगे, और आपको किसी से भी रابطہ करने की ज़रूरत नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपकी पॉकेट में जाएंगे। सो कौन है ऐसा जो ये नहीं करना चाहता। सो नेक्स्ट बात हम करेंगे कि अगर हम किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं और एक स्किन केयर प्रोडक्ट अगर हम रिकमेंड करते हैं तो वो 620 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें होगा, लेकिन अगर हम एक पूरा स्किन केयर रूटीन सेट जो है वो रिकमेंड करते हैं तो 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो आप ट्राई करें कि जब आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हों तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको रिकमेंड करें। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी को एक चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब नहीं कि आप उसको पूरा सेट रिकमेंड कर दें। अगर एक चीज़ से किसी का काम होता है तो एक चीज़ ही रिकमेंड करें, लेकिन अगर किसी को पूरे सेट की ज़रूरत है तो उसको पूरा सेट ज़रूर रिकमेंड करें ताकि उसका फ़ायदा भी हो और आपका फ़ायदा भी हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तीसरा तरीका हमारे पास क्या आ जाता है, कि तीसरा तरीका टीम बिल्डिंग का तरीका है। अच्छा, ये बात तो मैं कहना भूल गई कि आप जब एक प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट आएगा 620 रुपीज़ का, लेकिन अगर वही आप पूरा सेट रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे वही बात आ जाती है कि किसी की नीड के हिसाब से और उसको जब आप चीज़ें रिकमेंड करेंगे तो उसमें आप दोनों का फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि आप लोगों को अपने साथ इन्वाइट करेंगे, उनके साथ मिलकर अपनी टीम भी बनाएंगे, और टीम सेल्स के ऊपर आपको 21% तक का कमीशन जो है वो मिलता है। इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप जैसे आप खुद हैं, आपने अपने साथ 5 मेंबर्स को ज्वाइन कराया, उन 5 मेंबर्स को कहा कि वो भी अपने साथ 5 मेंबर्स जो हैं इनको ज्वाइन करवाएं, प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़। अच्छा, अब आपने क्या किया कि इस यूनिक मॉडल को देखते हुए आपने अपने मेंबर्स को कहा कि वो भी 5 लोगों को ज्वाइन कराएं, और इस तरह से क्या हुआ कि आपकी टीम में देख लें कि 35 कंसल्टेंट्स या 31 कंसल्टेंट्स आ गए, क्योंकि 5 मेंबर्स आपके, 5 उनके, 25 हो गया, तो इस तरह से 31 कंसल्टेंट्स की टीम आपकी बन गई। अब अगर यही लोग वो ऑर्डर ले लेते हैं 5075 का,
तो अर्न करेंगे आप 7,735 पर कैटलाग रुपीज़, और अगर उसको पर ईयर टोटल कर लें तो 92,820 रुपीज़। सो अपनी एक जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आप अर्न भी कर सकेंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स बना सकेंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। सो अपनी टीम बिल्डिंग जो है वो मेन की है, आपने प्रोस्पेक्टिंग लाजमी करनी है, अपनी टीम डेवलप करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस आपका इसी चीज़ पे होना चाहिए कि आपकी टीम बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो और आपकी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो गई हो। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे किस तरह से हम टीम बिल्डिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, तो वही बात है कि अगर हम किसी को एक सेट मैंने रिकमेंड किया तो मुझे 2500 रुपीज़ का की अर्निंग हुई, अगर मेरे 5 मेंबर्स आगे से वही सेट रिकमेंड कर रहे हैं तो 17,993 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, और अगर आगे से उनके भी 5 मेंबर्स जो हैं वो यही सेट रिकमेंड करते हैं तो 26,890 रुपीज़ का की अर्निंग जो है वो हमें हो रही होंगी। सो यहाँ से भी हमें यही चीज़ पता चली, इस एग्जांपल से भी यही चीज़ पता चली कि जितनी बड़ी टीम होगी और जिस तरह कॉपी पेस्ट का काम सबसे अच्छा हो रहा होगा उस तरह से आपको फ़ायदा होगा। अब ओरिफ्लेम जो है वो हमें कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ता, हम लोगों को हर चीज़ के लिए हेल्प मिलती है, टूल्स हमें बहुत अच्छे मिले हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स हमें बिल्कुल फ्री दी जाती हैं। अगर हम किसी और इदारे की बात करें तो वहाँ पे बहुत सी ट्रेनिंग रहती होती हैं जो पेड होती हैं और आपको उसके लिए पे करना होता है, लेकिन हम ओरिफ्लेम में जितनी भी ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए हमें बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ता, सब ट्रेनिंग्स फ्री होती हैं। फिर हमें इनोवेटिव ऐप्स मिल रही होती हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं, 5 ऐप्स हैं जिसमें एक ओरिफ्लेम, ओरिफ्लेम बिजनेस, मेकअप विजर्ड, फिर स्किन केयर एक्सपर्ट, और एक और ऐप है जिनके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं और डिफरेंट चीज़ों में हेल्प लेते हैं। अगर हम ओरिफ्लेम की मेकअप विजर्ड की बात करें तो वहाँ पे जाके हम अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके उनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बिजनेस ओरिफ्लेम स्किन एक्सपर्ट की बात करें तो उसमें भी हम अपनी या अपने कस्टमर की पिक्चर को अपलोड करके उसके लिए प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा अपना एक ऑनलाइन पर्सनल ब्यूटी स्टोर होता है जहाँ से हम जाके अपनी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं और वहाँ से हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, देखते हैं, उनकी प्राइसेस देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हर मंथ बहुत सी नई प्रोडक्ट्स और बहुत सी नई ऑफर्स हमें मिल रही होती हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वेदर के लिहाज से, उसके अलावा ट्रेंड के मुताबिक जो हैं वो प्रोडक्ट्स हमें मिल रही होती हैं और उनमें बहुत सी ऑफर्स होती हैं जिनको हम अवेल करके बहुत सा फ़ायदा और बहुत सी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो ओरिफ्लेम हमें कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें बिज़नेस करने के लिए ऐसे टूल्स भी देता है कि जिन टूल्स की मदद से हम बहुत आसानी से अपने बिज़नेस को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मुझे बताएं और कहाँ आपको मिलेगी जहाँ पे आपको बिज़नेस के साथ साथ टूल्स भी दिए जा रहे हैं कि ये टूल्स हैं, इन टूल्स को आप यूज़ करें और अपने बिज़नेस को ग्रो करें। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट के किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेके हम आगे चल सकते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंट, अभी हमने जो पीछे ऑफ़र्स की बात की वो हर मंथ बहुत सी ऑफ़र्स हमें मिल रही होती हैं, उन ऑफ़र्स को हम अवेल करके उनसे बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपनी टीम को अगर हम अपनी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहें तो इन टूल्स के थ्रू बहुत से तरीके हम लेके उनसे काम कर सकते हैं। काइंडली एक मिनट दीजिएगा, ये ज़रा मैं एक चीज़ देख लूँ। जी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनको अचीव करने के बाद जो कैश बोनसेस हैं उनको भी अचीव करके तो अपनी अर्निंग को
बढ़ा सकते हैं, हमें बहुत से अवार्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे बुला के हमें बाकायदा रिकग्नाइज़ किया जाता है। सो जो हम औरतें हैं वो घर में जब इस चीज़ से हो रही होती हैं कि हमें कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता या हमारे काम की तारीफ़ नहीं करता, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें मिलती है और हमें रिकग्नाइज़ किया जाता है हर चीज़ पे। तीसरी चीज़ जो हमें ऑफर की जाती है वो है फ़न की। हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, बहुत से इवेंट्स जो हैं ब्यूटी इवेंट्स और एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ उनको हम इंजॉय करते हैं। आजकल तो जैसे कोविड है, कोविड में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन इवेंट्स हमें बहुत से मिल रहे होते हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं और देखते हैं। सो ओरिफ्लेम कहता है कि वो हमें हर चीज़ पे, हर जगह पे सपोर्ट करेगा, कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें ट्रेन किया जाएगा हर लिहाज से। जो बेनिफिट्स हैं नेचुरल स्वीडिश कॉस्मेटिक्स के, जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं और हमें सिखाई जाती हैं। सो ये सब चीज़ें हमें ओरिफ्लेम सिखाता है और हमें टूल्स दिए जाते हैं डिफरेंट, जो हमने पीछे बात भी कर ली कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें टूल्स मिलते हैं, उन टूल्स को यूज़ करके हम अपना बिज़नेस जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम डिफरेंट ओरिफ्लेम यूनिवर्सिटी या जिसको कह लें कि ट्रेनिंग्स होती हैं उनको अटेंड करके बहुत से सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं उन सर्टिफिकेट्स के थ्रू। हम जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत से हमारे ओरिफ्लेम के जो कंसल्टेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो अब मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल बोल के लोगों को बता बता के सिखा सिखा के इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन जाते हैं। सो ओरिफ्लेम जो है ऑलवेज आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए मौजूद है और आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। फिर जितना काम है वो हम डिजिटली कर रहे होते हैं, जैसे कोविड की सिचुएशन में हम सब ने देखा कि किस तरह से हम लोगों का बिज़नेस जो है वो ग्रो किया, नीचे नहीं गया। तो अभी जितने लोग मेरे साथ मुझे सुन रहे हैं, मुझे अभी तक उन्होंने मेरा साथ दिया, उनसे कहूँगी कि कौन है आप लोगों में से जो लुक ग्रेट मेक मनी या फिर है फन की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है या फिर वो इन तीनों अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहता है। सो जो कोई भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकता है, या इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके मेरे से डिटेल्स ले सकता है। सो मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगी कि ओरिफ्लेम कम्युनिटी का पार्ट बने और हमारी जो वेलकमिंग कम्युनिटी है वो आपको वेलकम करेगी बहुत खुले हाथों, बहुत खुले दिल के साथ। कनेक्ट करें दूसरे कंसल्टेंट्स के साथ, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें, उनके साथ जो है वो मीडिया ग्रुप्स के थ्रू आप अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। बहुत से नए लोगों के साथ आपको मिलने का मौका मिलता है। सो जितने भी न्यू कंसल्टेंट्स हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूं और आप लोगों को कांग्रेचुलेट करती हूं ओरिफ्लेम और हमारी टीम ज्वाइन करने पे। सो जो हमारा वेलकम प्रोग्राम है 90 डेज़ का, उसको आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, उसकी जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में आपने हमसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको ज़रूर अवेल करना है। तो अपना बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट करें बिल्ड करना और अपना 21% तक का जो कमीशन है उसको ज़रूर अवेल करें अपनी टीम बिल्डिंग के साथ, और फिर अपना कैरियर जो है उसको अपनी टर्म्स पे क्रिएट करना शुरू करें। आप लोगों को और आप लोगों की प्रोग्रेस को हर पॉइंट पे रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया जाएगा और आपकी हर सक्सेस को, हर अचीवमेंट को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। सो कम एंड मेक अ चेंज विद ओरिफ्लेम इन योर लाइफ, इन योर बिजनेसेस एंड इन योर इवन इन योर थॉट्स। सो ओरिफ्लेम के साथ आप डिफरेंट कंट्रीज़ का भी सफ़र कर सकती हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, स्पेन, मॉरिशस, रोम, चाइना, मेक्सिको और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी विज़िट हमारे अपलाइंस कर चुके हैं और बहुत से अभी क्यू में हैं। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हमारे अपलाइंस आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं तो अब बहुत से लोगों को इनमें से जानती हूँ, मे बी आप लोग सबको ना जानते हों, मे बी किसी को भी ना जानते हों, लेकिन ये सब हमारे अपलाइंस हैं और मैं तकरीबन ज़्यादातर लोग चेहरों को इनमें से पहचानती हूँ, जिनमें से ताहिर हैं, मोहम्मद फारूकी हैं, ग़ुलाम रहमानी जलानी हैं और उसके अलावा मैम हुमैरा कामरान हैं। सो ये सब जो हैं ये वर्ल्ड क्लास इवेंट्स को एंजॉय कर चुके हैं, बहुत से कंट्रीज़ की सैर कर चुके हैं। सो अगर आप लोग भी डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ओरिफ्लेम को ज्वाइन करें। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी
कि जब आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक गेटिंग स्टार्टेड की हमारी पूरी एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा बिल्कुल छोटा करके एक स्लाइड में समेटने की कोशिश की है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्किन केयर गाइड मिलती है, COF मिलता है, उसके बाद कैटलॉग होती है और नेम लिस्ट का पेज होता है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इस नेम लिस्ट में आपने या नेम बैंक लिस्ट में आपने डिफरेंट अपने कॉन्टैक्ट्स के नाम और नंबर्स लिखने होते हैं और आगे आपने जज करना होता है कि मे बी वो आपका मेंबर बन जाए या मे बी वो आपका कस्टमर बन जाए। दोनों सूरतों में आपने उनके नाम और नंबर्स और आगे जो भी आपकी थॉट है वो बन सकते हैं उनको मेंशन करना है। और ये लिस्ट बनाने के बाद आपने डेली के 3 लोगों से कांटेक्ट करके उनको ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है या फिर ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है ताकि वो आपसे या तो कोई प्रोडक्ट परचेज कर लें या फिर आपके साथ मेंबरशिप लेकर अपना बिजनेस और एक टीम डेवलप करना शुरू कर दें। सो तीनों तरह से ये आपने काम करना है। अब जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन लोगों ने अपनी एक नेम लिस्ट तैयार करनी है और उस नेम लिस्ट को मेरे साथ डिस्कस करके फिर उन लोगों के साथ कांटेक्ट करके उनके साथ ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना है। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सुना और इसको समझने की कोशिश की। बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके तो डिटेल्स सुन सकते हैं और जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको मैं कॉल करूंगी ग्रुप बाय ग्रुप और उनसे इस चीज़ को डिस्कस करूंगी। बाकी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे पर्सनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।